प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पर्यटन विभाग द्वारा राष्ट्रीय योजना अंतर्गत 75.96 लाख से कालीबाड़ी मंदिर के सौंदीकरण कार्य का लोकार्पण किया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा पर जाकर आरती उतारी और पूजा अर्चना की। तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में ही गौ पूजा की। इस दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कालीबाड़ी मंदिर हमेशा सेवा कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। मंदिर के सौंदर्यीकरण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को नवमी एवं विजयदशमी की बधाई देते हुए कहा कि आसपास की आम जनता मिलकर मंदिर सौंदर्यीकरण में सहयोग कर मंदिर को दर्शनीय बनाया है। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक ग्रामीण ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक स्थलों का सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार करा रहे हैं, जिससे आम जन को रोजगार मिलने में मदद मिल रही है। इस अवसर पर मंदिर के महंत रविन्द्र दास तथा विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं मंदिर से जुड़े लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दुर्गेश बजाज और मंदिर के महंत रविंद्र दास ने कहा,我都要买的。
आप मंदिर से आए क्या? सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश के स्थान पर बैठ जाए अनुरोध है, आगंतुकों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाए। ना कार्यक्रम है या मंदिर आपका है, हम सभी के हैं, तो इसलिए प्लीज यह कार्यक्रम हम सभी का, आप सभी बैठ जाए प्लीज। भैया जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे भी सादर अनुरोध है, भैया बैठ जाइए प्लीज, आप सभी बैठ जाइए अपने स्थान पर। जब से महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं गोरखपुर ने पूरे उत्तर प्रदेश को पर्यटन का हब बनाने का आपने निर्णय किया है, उसी के तहत जैसा हमारे विधायक जी ने बताया कि बड़ोस में रामलीला मैदान और मंदिरों का जिला उद्धार करके इसको पर्यटन का हब बनाने के लिए महाराज जी ने जो किया महाराज जी बताते हैं, लेकिन आज आप लोगों के समक्ष बहुत कम समय में मंदिर भव्य तरीके से तैयार हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया। मैं पिछली बार चुनाव जीतने के बाद यहाँ आया था तो मैंने देखा था इसकी हालत ठीक नहीं थी, आज इसको देख के इसकी टाइलिंग एवरीथिंग वेल ब्रांड लग रहा है और बहुत सुंदर मंदिर लग रहा है। और यहाँ के व्यापारी मंडल, यहाँ के लोकल, मैंने कहा इस इलाके में बड़ा विश्वास है लोगों का इस मंदिर में, तो पूज्य महाराज जी आपको दिल से धन्यवाद कि रविन्द्रनाथ जी पर आपकी वो आशीर्वाद, आप जैसे सब पर आशीर्वाद रहता है इस मंदिर पर भी रहा, ये देख के बहुत खुश हुए महाराज जी, बहुत धन्यवाद। रविन्द्रनाथ जी के लिए मैं यही कहूँगा कि हमें समझ में नहीं आता कि कारण गोरखपुर की एक पोस्टर लगा है वो दरबार की बचपन में आए थे, उस समय गोरखपुर में ट्रैक चलता था, तो
उस समय गोरखपुर में इस तरह की क्रांति होती थी, दिन दहाड़े रोज गोलियां, रोज एकाध मगर होता था। यहाँ पर लोग कहते थे कि बाबा अभी आप बच्चे हैं, यहाँ आपकी हत्या हो जाएगी, यहाँ से आप चले जाइए। यहाँ जो भी कुछ यहाँ सरकार की तरफ से अखाड़ा और ज्ञानशाला चलता था, उसके बाद यहाँ पर बड़े महाराज जी की कृपा से यहाँ जो भी कुछ आप देख रहे हैं सब बड़े महाराज जी की कृपा, चरण की कृपा है। वर्तमान में महाराज जी की कृपा से यह सब बना है। हम लोग एक क्षण मात्र है महाराज जी की चरण की कृपा से आज जो भी देख रहे हैं, जो भी है, यही आभार व्यक्त करते कालीबाड़ी मंदिर के पुनरोद्धार कार्यक्रम के इस भव्य आयोजन में कालीबाड़ी के मोहन जी श्री रविंद्रनाथ जी महाराज, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री पुष्पचंद जैन जी, नगर निगम के उप सभापति श्री ऋषि मोहन वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इस मंदिर से जुड़े हुए भक्तगण और उपस्थित यहाँ के सभी श्रद्धालुजन, मैं सबसे पहले बाबा श्री रविंद्रनाथ जी महाराज को इस बात के लिए हृदय से बधाई देता हूँ कि उन्होंने मंदिर को एक भव्य स्वरूप दे दिया। इस सही मायने में उनके पुरुषार्थ का और उनकी तपस्या का फल है। अगर वह प्रयास नहीं करते तो इतना भव्य रूप मंदिर का आज हम सबको देखने को नहीं मिल पाता। लेकिन बाबा सच जितने सज्जन हैं उतना ही पोस्टर बाजी में देखिए बाबा ने पोस्टर भी उनके भक्तों ने लगा दिया और सांसद जी, विधायक जी और महापौर जी को बुला करके संदेश भी दे दिया। तो बहुत अच्छा काम है। वैसे भी नवरात्रि का आयोजन है, आज शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी की तिथि है, जगत चंडी माँ भगवती के अनुष्ठान की तिथि है। यह कालीबाड़ी के मंदिर में बाबा ने सभी देव विग्रहों की स्थापना भी करवाई है, तो स्वाभाविक रूप से शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मंदिर की पुनरोद्धार के कार्य को पूरा होना यह न केवल धार्मिक जगत के लिए बल्कि यह मंदिर सेवा के अनेक कार्यक्रमों के साथ भी जुड़ा हुआ है। हर एक सेवा का क्रिया कार्यक्रम जो भी गोरखपुर नगर में होता है बाबा के साथ, बाबा उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो मंदिर का पुनरोद्धार मंदिर से जुड़े हुए भक्तों के सहयोग से उन्होंने पूरा किया है। मैं बाबा जी को और उनके पूरे सभी भक्तों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ। आप सबको विजयादशमी की और शारदीय नवरात्रि की बधाई और मंगल कामनाएं आप सबकी प्रति करता हूँ। बाबा स्वयं नहीं चाहते कि हॉल में लोग ज्यादा देर तक बैठे। देखिए वे जानते थे कि ज्यादा देर आप लोग बैठेंगे तो फिर बोलेंगे प्रसाद जो लगा भंडारी भी मान करेंगे, इसलिए हॉल में ऐसी व्यवस्था कर दी कि ना कोई हवा आ सके ना जा सके। श्री
इसलिए बाबा की जो कृपा है वो बड़ी अपरंपरा है। वो केवल भक्तों को ही, सांसद विधायक को वहां पर कोई संदेश नहीं दे रहे, आप सबको भी संदेश दे रहे हैं। थोड़े भी विचलन होगी तो क्या करेंगे फिर। इसलिए आज के इस अवसर पर आप सबको विजयादशमी और शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई। आप सब ने बाबा के साथ मिलकर के इस मंदिर को भव्य स्वरूप दिया है, सचमुच दर्शनीय क्रिया किया है। मैं पिछले 25 सालों से 30 सालों से कालीबाड़ी मंदिर को देख रहा हूँ, कितना कंजेशन था, नहीं आ सकते थे। बाद में यही अभ्युदय सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग यही से प्रशस्त होता है और धर्म का यह व्यवहारिक रूप भी है कि मंदिर का स्वरूप दर्शनीय और वो बाबा ने अपने समय में बना दिया है और भव्य स्वरूप बना दिया है। आप सभी इसी प्रकार से उनके साथ मिलकर के धार्मिक जागरण का सेवा के कार्यक्रमों को चलाते रहे। जगत जननी माँ भगवती दुर्गा से आप सबके सुखमय और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और आप सब पर इसी प्रकार से आदिशक्ति माँ भगवती का और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा की है। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय नहीं, इस मंदिर की भव्यता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बाबा ने जिस श्रद्धा के साथ इस मंदिर का निर्माण कराया है वास्तव में देखने लायक हुआ है। जो राजस्थान में जैसे मंदिर हम लोगों को देखने को मिलते थे, आज वो हमारे गोरखपुर में भी इस संकट मोचन कालीबाड़ी मंदिर पर देखने को मिल रहा है। आज इस कार्यक्रम में महाराज जी की बहुत, नवरात्र के समय में महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा हुई। अपना व्यस्त कार्यक्रम, आज अष्टमी के दिन अपना व्यस्त कार्यक्रम को छोड़ के महाराज जी कालीबाड़ी मंदिर में आज समय दिए, महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है। और जो भी यहाँ देख रहे हैं सब महाराज जी की, बड़े महाराज जी की, छोटे महाराज जी की कृपा से हम आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं का ये आशीर्वाद है। और यहाँ पर हमारे जनता जितने हैं, जनता की सहयोग से और हनुमान जी की कृपा से हम आगे बढ़ रहे हैं। भक्तों को क्या कहेंगे, अपने भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? भक्तों के इतने सहयोग है और कृपा है कि उस सहयोग और कृपा से हनुमान जी उन लोगों को, हमारे तरफ से भक्तों को आशीर्वाद है, दिनों दिन दुना रात चौगुना भक्तों को बढ़ाते रहे। और जो भक्त जो इच्छा लेके आता है उसकी इच्छा जरूर पूर्ण होगा आने वाले दिन में। जो भक्त इस हनुमान जी की शरण में आए हैं, जिनकी जो मनोकामना है, जो इच्छाएं हैं, वो जरूर आज या कल पूरा होना है, निश्चित है, ये जान लीजिए। यहाँ पर हनुमान जी का नाम है मनोकामना सिद्ध हनुमान जी। संकट मोचन कालीबाड़ी मंदिर तो है ही कि संकट को हरते हैं और जो मनोकामना करते हैं, मनोकामना सिद्ध हनुमान जी है।